हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास स्टीम में GTA 5 में ये एरर आ रहा है तो आप इस एरर को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है गूगल क्रोम ओपन करना है। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल क्रोम के सर्च बार में इस तरीके से टाइप कर इंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली लिंक है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल करना है। आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास 32 बिट है तो आप 32 बिट वर्जन डाउनलोड कीजिए, अगर आपके पास 64 बिट है तो आप 64 बिट डाउनलोड कीजिए। तो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, तो मैं यहां पर 64 बिट ही डाउनलोड कर लेता हूं। तो यहां पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, यह डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आपको जो है इस फाइल को ओपन कर देना है। यहाँ पर से राइट क्लिक कर ओपन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टीम API इस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों आपको इसको राइट क्लिक कर यहाँ पर कॉपी फाइल्स टू क्लिपबोर्ड आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर आप यहाँ पर गूगल क्रोम को भी क्लोज कीजिए। फिर आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको ई प्रेस कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। दिस PC पर क्लिक कीजिए। फिर आपको सी ड्राइव ओपन करना है और यहाँ पर विंडोज़ फोल्डर ओपन करना है और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है सिस्टम 32। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आप जो है इस फोल्डर में उस फाइल को यहाँ पर से इजीली पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर बैक आता हूँ, क्योंकि मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है। तो यहाँ पर आपको इस वाले फोल्डर में उस फाइल को आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर से आप इजीली उसको पेस्ट कीजिए। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर आप अपने PC या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, फिर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, इस तरीके से आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।